हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल ओम पेंटिंग वर्क्स। दोस्तों आज क्या है बोले तो ये शराब बोर्ड दिख रहा है, इसको हम लोग पेंटिंग करने वाले हैं। ठीक है, इसको शराब बोर्ड को कैसा पेंट करना सब कुछ इस वीडियो में बताने का कोशिश करता हूँ। अब क्या है बोले तो अब काम शुरू करेंगे। दोस्तों सबसे पहले क्या है बोले तो ये शराब बोर्ड फिट करे सो रहता ना, उसमें गैप्स रहता, वो गैप्स को ना वालकर पुट्टी से पूरा लेवल कर लेना। पूरा गैप्स को है ना, गैप में पूरा पुट्टी फिल करना। पुट्टी अच्छे से फिल करे के बाद उसको पेपर मारने का रहता। अब क्या है बोलो तो फटाफट पूरा पुट्टी लगा देता हूँ। पुट्टी लगाने के बाद क्या है बोलो तो आगे का प्रोसेस देखेंगे। दोस्तों पूरा पुट्टी का काम खत्म होने के बाद कुछ इस तरह से दिखता। अब क्या है बोले तो अब पूरा पुट्टी सूख जाने के बाद उसको पेपर मारने का रहता। 200 नंबर नहीं तो 150 का कौन सा भी पेपर से मार सकते हैं। ठीक है, मैं 150 का पेपर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, रेड पेपर। इसको अब क्या है बोले तो अच्छे से वो पूरा जो रहता ना वो डिज़ाइन रहता ना, वो डिज़ाइन में से लेवल कर लेते, पूरा अच्छे से पेपर मार लेना। ठीक है, दोस्तों अब पूरा पेपर मारने का पूरा कंप्लीट हो गया। अब क्या है बोले तो एक छोटा सा ब्रश ले लेना। ब्रश ले लेके क्या है बोले तो अब पूरा वो पेपर मारने का धूल रहता ना, मारे से रहता ना, वो पूरा क्लीन कर लेना। दोस्तों अब पूरा पेपर मारे से पूरा धूल साफ कर लिया बाद अपने को वो गेट रहता ना, गेट को पेंट नहीं लगना बोल के टेपा पूरे चिपका लेना। ठीक है, दोस्तों अभी पूरा टेप पूरा चिपका दिया बाद क्या है बोले तो अपने को इसको प्राइमर डालने का रहता। इसको ना एक्सटीरियर प्राइमर डालना। ठीक है, और क्या है बोले तो पूरा फटाफट पूरा प्राइमर पूरा डाल देंगे। डाल दिया बाद क्या है बोले तो अपने को आगे का प्रोसेस क्या है जल्दी जल्दी बताता हूँ। ठीक है, दोस्तों अब पूरा प्राइमर डालने के बाद कुछ इस तरह से दिखता। इसके बाद क्या है बोले तो अपने को बेस कोट डालने का रहता। ठीक है, अपने को अल्टीमा डाल रहे हम लोग, अल्टीमा डालो, दो कोड कंपलसरी डालना, उसका कोड आके 0523। ठीक है, अब क्या है बोले तो फटाफट पूरा मिला लेंगे। मिला लिए बाद क्या है बोले तो उसको कंपलसरी दो कोड डालना। ठीक है, पानी ज़्यादा नहीं मिलाना, मीडियम थोड़ा पानी मिला लेना। एक लीटर में आपको एक 200 ml 150 ml पानी मिलाना। ठीक है, अपने को थोड़ा एरिया है बोल के छोटा डब्बा मंगाया, मैं छोटे दो डब्बे मंगाया था। ठीक है, अब क्या है बोले तो फटाफट दो कोट बेस कोट डाल देंगे। दोस्तों अभी फर्स्ट कोट कंप्लीट हुआ, अब सेकंड कोट डाल देता हूँ। दोस्तों अब सेकंड कोट डालना पूरा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद क्या है बोले तो अपने को टॉप कोट डालने का रहता। टॉप कोट में कौन सा लिया बोले तो अल्टीमा, कोड आके 8613। ठीक है, ये अपने को थोड़ा पानी ज़्यादा मिला लेते भी चलता है इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, और क्या है बोले तो ये अपने को लाइट कलर हो गया, अपने को इसके डार्क होना था। ठीक है, अब इसको डार्क करने के लिए हम लोग इसके अंदर ब्लैक स्टिनर, ठीक है, ब्लैक स्टिनर मिक्स करे, वो कुछ मिक्स करे तो ब्राउन कलर के शेड में आता। दोस्तों अब क्या है बोले तो कलर पूरा मिलाने के बाद एक कपड़े का ज़रूरत पड़ता और एक स्पंज का ज़रूरत पड़ता। ठीक है, और क्या है बोले तो इसको कपड़े को स्पंज को ऐसा रोलिंग कर लेना। अच्छा, जब ये वीडियो में देख रहे ना ऐसा ऐसा करने के बाद क्या है बोले तो अपने को थोड़ा पानी के अंदर डुबा के निचड़ना। निचड़ के अब काम शुरू करने का रहता। ठीक है दोस्तों, पहली बार डाल रहे तो क्या है अपने को धूप नहीं है तो ज़्यादा बड़ा बिट ले सकते, ज़्यादा बिट डाल सकते। ठीक है, अपने को धूप ज़्यादा है बोले तो छोटा छोटा बिट डाल लेना।
और एक बात क्या है बोले तो, ये धूप के टाइम में काम नहीं करना, सवेरे सवेरे सुबह 6 बजे से 9 बजे के अंदर काम ख़त्म करने का देखना इसको। धूप रहे तो क्या है, अपने को पैचेस आने का डर रहता, और ये पैचेस कहीं को आते बोले तो ये धूप से ना जल्दी जल्दी सूख जाते रहता, और सूखे तो क्या है अपने को डबल हाथ मारते को पैच आता। ठीक है, आपको सुबह सुबह सवेरे काम करना, ये पैचेस बहुत आ गए तो कस्टमर कुछ अच्छा नहीं आया बोले तो फिर से इसको बेस कोड डाल के फिर से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ ये नहीं रहता, फिर बाद में से दो कोट कलर डाल लेके बेस कोड डाल लेके फिर से टॉप कोट शुरू करना पड़ता। ठीक है, टेंशन लेना नहीं, आराम से काम करना। ठीक है, दोस्तों आप देख रहे ना, ये धूप के टाइम छोटा छोटा बिट लेना। ठीक है, अभी ले रूम देखो, ऐसा बिट लेना, ये बाजू का नाम है, बड़ा बिट ले लिया मैं, जल्दी जल्दी ख़त्म कर देंगे बोल के, वो थोड़ा उसमें पैचेस आए तुम्हारे को लास्ट में बता दो। ठीक है, दोस्तों टॉप कोट डालने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा, आपको मैं पैचेस आया बोल के बोला ना, आप साइड में नीचे देख सकते हैं ऐसे पैचेस आए। इसीलिए बड़े लोग हम बोलते हैं, जल्दी का काम शैतान का रहता, इंसान का काम आराम से रहता। ठीक है, आराम से करना। फाइनल स्टेप क्या है बोले तो, अपने को टचवुड डालने का रहता, टचवुड शाइनिंग के लिए रहता, चमक चमक आने के लिए। ठीक है, फटाफट पूरा टचवुड डाल देंगे। दोस्तों फाइनल लुक कुछ इस तरह से दिख रहा टचवुड डालने के बाद। ठीक है, थोड़ा पैचेस आए, कस्टमर क्या बोलता है कि कुछ तो बोला तो फिर से रीपेंटिंग कर देता हूँ। डरना नहीं, आराम से काम करना। ठीक है, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अपने चैनल को होम पेंटिंग वर्क्स।